Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. New Zealand Kishar Christchurch, Mikhele दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दो सौ पर, पर न्यूजीलैंड का स्कोर था एक और उसके दो खिलाड़ी आउट थे चालीस रन की बर्तरी हासिल थी आज उसने अपनी नामुकम्मल इनिंग दोबारा शुरू की तो हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग में तीन रन बनाए जी हाँ तीन रन बनाए न्यूजीलैंड ने और ऑस्ट्रेलिया को दो सौ उनासी रनस का टारगेट दिया लेकिन इस तीन सौ बहत्तर रन में अगर नुमाया बैट्समैन देखा जाए तो रचिन रविंद्रा इन्होंने बयासी रन बनाए इनके अलावा टॉम लेथम ने तिहत्तर रन बनाए किन विलियमसन ने इक्यावन और डरल मिचल ने अट्ठावन रन बनाए जबकि चवालिस रन बनाए स्कॉट कोगलिन ने तो ये नुमायाँ स्कोर रहे और इस तरह न्यूजीलैंड की टीम ने एक सौ आठ हशारिया दो ओवर बैटिंग करकर तीन सौ बहत्तर रन्स बनाए और ऑस्ट्रेलिया को दो सौ उनासी रन का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जानब से चार खिलाड़ियों को आउट किया पैट कमिंस ने बासठ रन के एवज़ इनके अलावा तीन खिलाड़ियों को आउट किया नेथन लाइन ने, ने उनचास रन्स के जबकि एक विकेट हासिल की मिचल स्टार्क और जॉर्श हेजलवुड और कैमरून ग्रीन ने तो ये परफॉर्मेंस है और इसके बाद दो सौ के तहकुब में अब तक जी हाँ तीसरे दिन खेल के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेटों के नुकसान पर 77 रन बनाए हैं 24 ओवर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बैटिंग की है और आउट होने वाले बैट्समैनों में स्टीव स्मिथ नौ रन बना के आउट हुए उस्मान ख्वाजा ग्यारह रन बना सके मानस लबुशेन सिर्फ छः रन बना के आउट हुए पहले इनिंग में नब्बे रन बनाए थे कैमरून ग्रीन पाँच रन बना के आउट हुए ट्रेविस हेड सत्रह और मिचल माश सत्ताईस के स्कोर पे नॉट आउट हैं तो सतहत्तर रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं दो सौ उनासी के तहकब में और उसको मजीद दो सौ दो रन की जरूरत है अभी दो दिन का खेल बाकी है और उसकी छः विकटें बाकी हैं और न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखी जाए तो टिम साउदी सात ओवर में बारह रन दिए कोई विकेट हासिल नहीं की मैट हेनरी जिन्होंने पहली इनिंग में सात आउट किए दूसरी इनिंग में भी नौ ओवर में एक मिडन सैंतीस रन दिए और दो विकटें हासिल की बैनसियस छः ओवर में बाईस रन दो विकटें जबकि ग्लैन फ्लिप्स ने दो ओवर में चार रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं इस की इस मैच की समरी यह है न्यूजीलैंड तो ने अपनी पहली इनिंग में एक रन बनाए और उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दो तो सौ ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में चौरानवे रन की बर्तरी हासिल की उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग में तीन सौ रन बनाए और पहली इनिंग की चौरानवे रन की बढ़तरी निकालने के बाद ऑस्ट्रेलिया को दो सौ रन का टारगेट बना जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आज तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर चार विकटों के नुकसान पर 77 रन बनाए और अब उसको मज़ीद दो सौ दो रन दरकार हैं आया ऑस्ट्रेलिया ये दो सौ दो रन बाकी मांदा यानी कल के ही दिन में मैच ख़त्म हो जाएगा करने में कामयाब होती है या नहीं और क्या पॉइंट्स टेबल पे अगर ले जाएं आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे जहां ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड दूसरे पे है इन दोनों का इस मैच के रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कि जो भी जीतेगा वो एक या तो न्यूज़ीलैंड अगर जीता तो न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पोजीशन बरकरार रख सकता है और अगर ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जगह इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ सकती है भारत बदस्तूर पहले पर जी हाँ नौ मैच खेले छः जीते दो हारे एक ड्रॉ हुआ चौहत्तर पॉइंट है सिक्सटी एट परसेंट विन परसेंटेज न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे इस वक्त पाँच मैच खेले तीन जीते दो हारे छत्तीस पॉइंट है सिक्सटी परसेंट इनका विन परसेंटेज ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त तीसरे नंबर पे है ग्यारह मैच खेले सात जीते तीन हारे एक ड्रॉ हुआ और अठहत्तर पॉइंट है फिफ्टी विन परसेंटेज बांग्लादेश चौथे दो मैच खेले एक जीता एक हारा बारह पॉइंट है फिफ्टी परसेंट विन परसेंटेज पाकिस्तान पाँचवें नंबर पे है पाँच मैच खेले दो जीते तीन हारे बाईस पॉइंट हैं और छत्तीस अशारिया छः छः विन परसेंटेज इसी तरह पाकिस्तान के बाद वेस्ट इंडीज की टीम छठे नंबर पे है चार मैच खेले एक जीता दो हारा एक ड्रॉ हुआ सोलह पॉइंट हैं और तैंतीस परसेंट विन परसेंटेज साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के बाद सातवें नंबर पे है चार मैच खेले एक जीता तीन हारे बारह पॉइंट हैं और ट्वेंटी फाइव परसेंट विन परसेंटेज जबकि इंग्लैंड की टीम आठवें नंबर पे है दस मैच खेले तीन जीते छः हारे एक ड्रॉ हुआ इक्कीस पॉइंट हैं 17.50 in win percentage. Sri Lanka, bottom of the table. Jiyan, number pe number point hai, win percentage. Keep on watching sports three sixty with Ahmad Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.